बैक टू माई यूट्यूब चैनल। वो आज मैं जा रही हूँ हल्द्वानी, भैया भी जा रहे हैं अभी पिथौरागढ़। चल भैया हाय बोल सबको। मम्मी मेरा वी आई पी पकड़ के आएगी मार्केट में, गाड़ी वाला भी आ गया। चल मम्मी हाय का। हाय हाय गाइस को। हाँ गाइस कैसे हो आज? मेरी बेटी जा रही हो आप? जा रही है आप? कैसे हो? सचिन भी जा रहे हो? हाँ मेरा बेटा सचिन भी जा रहा है, पिथौरागढ़ जा रहा है और मैं हल्द्वानी जा रही हूँ। सो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। कैसी लग रही तो मैंने कहा आपको बताना। और ये दीदी ने भेजे थे, ये भूल गई थी तो ये भी पकड़ के। तो मम्मी जा रही है ट्रॉली बैग पकड़ के, ट्रॉली बैग सर में रख के। नमस्ते भैया, बाय। क्या पता मैं पिथौरागढ़ भी आ सकती हूँ अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो। बाय। रात में 9 बजे पहुँची, 9:30 पहुँची। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगा था और सर में दर्द कर रहा था, सो ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। तो उसी ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ मैं दूसरे मॉर्निंग से। एंड क्या बोलते हैं, आज है मेरा पेपर जेंडर सब्जेक्ट का यार, मतलब जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का है। फिर 15 को है पेपर, फिर उसके बाद छुट्टियाँ और 5 जुलाई तक। फिर दिमाग खराब हो गया है। कल आई मैं अचानक आई हल्द्वानी के लिए रातों रात, मतलब सुबह ही आती थी वैसे तो, बट ट्रैफिक कितना था ना। 7 बजे बैठी मैं वहाँ से और पहुँची मैं 9:30 रूम में। और ट्रैफिक इतना लंबा इसलिए लगा था क्योंकि कैची धाम में मेला लगने वाला है, पता ही आप सभी लोगों को कैची धाम कह करके। तो उसके चक्कर में वहाँ पे भी ट्रैफिक था तो हम लोग वहाँ से नहीं आए। पिथौरागढ़ होते ही, मतलब पिथौरागढ़ से जो रोड कटता है ना वहाँ से आए हम लोग, बहुत ही घूम के आए हैं कल तो बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसी हालत डाउन हो रखी है। अभी मैं फर्स में लेट रखी हूँ, सो क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत पड़ा मैंने सर में दर्द हो रहा, उल्टी करने का मन कर रहा है। और इतनी गर्मी है, पीने के लिए पानी भी नहीं है क्योंकि पानी हमारा आता है डायरेक्ट, और जो पानी आता है मैंने पीयूष भैया को बोला था कि पानी अगर आएगा तो बता देना करके। अब मैं कॉलेज जाऊँगी तो वहीं से पानी लेके आऊँगी। सो गाइज पेपर है, मिलती हूँ मैं आपको बाय पेपर के बाद। हे गाइज अभी टाइम हो रहा है 7:44 और मैं आई हूँ अभी छत में, तो पेपर देने गई मैं। अच्छा गया पेपर, सारे लोग मिले क्लास के, मजे आए पेपर देने वक्त। हाथ में ऐसी दर्द होगी तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आए थे तो लिखते फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया मेरा, और सबका ऐसा ही हुआ अधिकतर। तो फिर व्लॉग नहीं बना पाई मैं, बहुत ज़्यादा थक गई थी। पप्पी ने खाना बनाया था, खाना वाना खा के मैं सीधे सो गई थी। फिर अभी उठ के जस्ट छत में आई हूँ तो एक पेपर और बचा है मेरा, तो उसकी तैयारी करती हूँ। अब व्लॉग भी एडिट कर रही थी मैं, आज का कुछ है नहीं। अब डालूँगी मैं, गांव में बना रखे हैं मैंने थोड़े बहुत ब्लॉग, तो वो डालूंगी अब मैं कल या परसों से।